नए साल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पहला जनता दरबार लग चुका है। वर्ष 2023 की शुरुआत हो चुकी है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में बैठ चुके हैं और आज जिन विभागों की शिकायतें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सुनेंगे वो विभाग है गृह विभाग, भूमि एवं सुधार विभाग, कारा विभाग, मत्स्य विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, निगरानी विभाग। इन तमाम विभागों के अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसी रास्ते के अंदर नीतीश कुमार बैठे हुए हैं जनता के दरबार में, जिसका नाम है जनता के दरबार में मुख्यमंत्री। और इस कार्यक्रम के तहत आज तमाम विभागों के पदाधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के तमाम जिलों से आए फरियादियों की शिकायत सुनेंगे। ठंड का असर है बिहार में, कड़ाके की ठंड चल रही है, शीतलहर चल रही है, ठंडी हवा बह रही है, जिस कारण आप देखिए कि मुख्यमंत्री के जनता दरबार के बाहर इस गोलंबर पे सड़क किनारे जो फरियादी बैठे रहते थे वहाँ पे आज आपको किसी भी तरह के कोई फरियादी नज़र नहीं आएंगे। अमूमन ये जो आप सड़क किनारे ये रास्ता देख रहे हैं, इस रास्ते पे फरियादियों की भीड़ लगी होती थी। फरियादी यहाँ पर कम्बल बिछाकर, चादर बिछाकर, गमछा बिछाकर बैठे रहते थे, लेकिन ठंड का असर है कि फरियादी यहाँ नज़र नहीं आ रहे हैं और जनता के दरबार में मुख्यमंत्री फरियादियों की जो शिकायत सुन रहे हैं उसमें वही फरियादी पहुँच पा रहे हैं जिन फरियादियों की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो चुका है। और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया के बाद जो फरियादी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनता दरबार कार्यक्रम में पहुँचे हैं उनकी शिकायत मुख्यमंत्री वहाँ पर सुन रहे हैं। तमाम अधिकारियों के साथ जिस विभाग की मैं चर्चा कर रहा था कि गृह विभाग हो या भूमि सुधार विभाग हो, कारा विभाग हो, निगरानी विभाग हो, मत्स्य विभाग हो या फिर सामान्य प्रशासन का विभाग हो, इन तमाम विभाग के पदाधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनता की दरबार में बैठे हैं और तमाम जो फरियादी हैं उनकी शिकायत को सुन रहे हैं। और ठंड का असर है कि जो फरियादी सड़क किनारे बैठे रहते थे इस आस में बैठे रहते थे कि नीतीश कुमार उनकी फरियाद को सुनेंगे और अंततः उन्हें निराशा हाथ लगती थी और वो लौट कर चले जाते थे। आज वह दृश्य देखने को नहीं मिल रहा है और यही सड़क है जिस किनारे फरियादी बैठे रहते थे गमछा चादर बिछाकर, आज वो फरियादी वहाँ नज़र नहीं आ रहे हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बड़ी आराम से उन फरियादियों की फरियाद को सुन रहे हैं जिनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है और जिनका बुलावा आ चुका है जनता दरबार के कार्यक्रम के तहत। और नीतीश कुमार कार्यक्रम में बैठकर जनता की फरियाद को सुन रहे हैं। तमाम अपडेट के लिए, तमाम जानकारी के लिए जुड़े रहें फर्स्ट बिहार के साथ। विश्वजीत आनंद, फर्स्ट बिहार, पटना।